कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए सबसे कारगर अगर उपाय है मास्क है। और अभी स्वास्थ्य मंत्रालय की एक सर्वे में सामने आया कि 64% लोग जो मास्क लगाते हैं या तो नाक के नीचे लगाते हैं या प्रॉपर तरीके से मास्क नहीं लगाते, इससे संक्रमण का खतरा बराबर बढ़ा रहता है। अभी हम भिलवाड़ा के जो जागरूक नागरिक, इनसे जानना चाहते हैं कि मास्क लगाना कितना ज़रूरी है और ये आमजन को क्या मैसेज देना चाहेंगे। जी सर, वर्तमान में जो वैश्विक महामारी कोरोना चल रही है, इससे बचाव का सबसे बड़ा साधन मास्क है। मास्क को लेकर, लगाने को लेकर, इसकी क्वालिटी को लेकर, इसके तरीकों को लेकर कोरोना गाइडलाइन में चाहे प्रशासन ने हो, चाहे सरकार ने हो, चाहे किसी भी एनजीओ ने हो, हर तरह से बताया है कि आपको मास्क लगाना आवश्यक है और मास्क किस क्वालिटी का होना चाहिए, किस तरह से लगाना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग मास्क को सही तरीके से नहीं लगाकर, पूरे समय नहीं लगाकर, सही क्वालिटी का नहीं लगाकर, वो देख रहे हैं कि हम प्रशासन से बच रहे हैं, सरकार से बच रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यदि ये कोरोना आपको फैल गया, यदि कोरोना आपके लग गया, तो निश्चित तौर पर आप अपने परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में, पड़ोसियों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, सबके साथ में धोखा कर रहे हैं। इससे बड़ा झूठ और किसी के लिए नहीं हो सकता, आप अपने लिए बोल रहे हैं। मैं तो चाहूँगा कि आप मास्क लगाएं, पूरी तरह से लगाएं, नाक पूरी दबी रहनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, पूरे समय लगाना चाहिए, घर से फाटक से बाहर निकलते ही मास्क होनी चाहिए। वर्तमान में जो स्थितियाँ बनी हैं उसमें तो अब घरों के अंदर भी लगाना आवश्यक हो गया है, क्योंकि हवा में फैल रहा है, क्योंकि दूसरी लहर तो चली रही है, लेकिन ब्लैक फंगस भी आ गया है, अभी एक पता नहीं कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है। तो मास्क ज़रूर लगाएं, मेरी आप सभी से प्रार्थना है। आप मास्क नहीं लगाएंगे तो ये किसी सरकार के साथ नहीं है, आप अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सामने आया कि अब कोरोना का जो वायरस है, नया जो म्यूटेंट है, ये हवा में भी फैल रहा है, तो इसलिए घर में भी मास्क लगाने की एक ज़रूरत समझी जा रही है। मास्क लगाने के लिए बहुत सारे केवल प्रशासन से डर के मास्क लगाते हैं, क्या मानते हैं आप? मेरा सबसे निवेदन है कि प्रशासन से डर के नहीं, स्वयं की, परिवार की, देश की चिंता करते हुए मास्क लगाएं। कोरोना का प्राथमिक उपचार ही मास्क ही है, तो सभी से ये निवेदन है, मास्क लगाएं, प्रॉपर तरीके से लगाएं और दूसरों को भी अवगत करवाएं कि अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो वो स्वयं भी खतरे में और अपने को खतरे में डालेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, मास्क लगाना कितना ज़रूरी है और बहुत सारा सामने देखने वाला था कि लोग प्रॉपर वे से मास्क नहीं लगा रहे हैं, क्या जैसा कि हम देख रहे हैं ये कोरोना महामारी का जो प्रकोप है, पहले भी एक साल पूरे ये चला जो फर्स्ट फेज में हुआ था, अब जब सेकेंड फेज इसकी आई है, ये बहुत ही खतरनाक तरीके से आई है। और सबसे बड़ा अगर इसको रोकथाम का उपाय है तो वो है मास्क। किसी भी प्रकार की कोई भी दवा या किसी भी प्रकार का कोई भी यत्न आप कर लें, लेकिन आप कोरोना से बच नहीं सकते हैं। यदि आपने सही तरीके से मास्क लगाया, वो सही मास्क को लगाया और सही उसका उपयोग किया, तो आप श्योर कोरोना से बच सकते हैं। विशेष तौर से मैं उन लोगों से इस मास्क के लिए अपील करना चाहूँगा जो गली मोहल्लों में रहते हैं। गली मोहल्लों में अक्सर ये देखा गया है कि लोग मास्क पहने बिना बाहर आ जाते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, दूध वाले से बात करते हैं, पास पड़ोसियों से बात करते हैं। विशेष तौर से मैं उन लोगों से बात कहना चाहता हूं कि वो जब भी घर से निकलें मास्क जरूर पहने, मास्क ही इसका सबसे बड़ा उपचार है और आप कोरोना से बच सकते हैं। यदि आपने मास्क नहीं पहना तो आप अपने साथ भी धोखा कर रहे हैं, अपने पास पड़ोसियों के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ धोखा कर रहे हैं, इसलिए मास्क बहुत ज़रूरी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को यही कहना चाहता हूं कि मास्क पहने और खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं उस कोरोना महामारी से, अब जल्द से जल्द हम निजात पाएं, यही भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं। बिल्कुल, मास्क अभी भी जब सेकंड वेव चल रही है फिर भी बहुत सारे लोग मास्क लगाने में लापरवाही कर रहे हैं, क्या नेशनल साहब सही कह रहे हैं कि जिस तरह से एक साल से देश के प्रधानमंत्री और सारे लोग, हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय भी कह रहा है कि मास्क अगर लगाना चाहिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, लेकिन मैं प्रशासन से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से दिहाड़ी मजदूर, सब्जी बेचने वाले, जितने भी फ्रूट्स बेचने वाले आज भी मास्क नहीं लगा रहे, निश्चित रूप से इन पर कंट्रोल करना चाहिए और जब तक नहीं करेंगे ये दूसरे लोगों को भी बीमार करेंगे। और रहा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं कुछ इस दूसरी वेव से समझे हैं, पहले वो भी लापरवाही कर रहे थे, लेकिन निश्चित रूप से अभी वो लोग समझे हैं, अच्छी तरह से मास्क लगाए, नाक को ढक के लगाए, बाहर जाए तो दूर मास्क लगा के ही निकले, अच्छी क्वालिटी का मास्क लगाए। धन्यवाद। अभी भी लोग मास्क लगाने में लापरवाही कर रहे हैं जबकि इतने बड़ी संक्रमण फैल रहा है, क्या? देखो, मास्क नहीं लगाएंगे तो अपने आप को खो रहे हैं अपन, और मास्क लगाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मास्क लगाएंगे तभी अपन बच पाएंगे, बाकी कोई चांस नहीं है बचने का।
बिल्कुल, तो हमने भीलवाड़ा के लोगों से जाना कि मास्क लगाना कितना ज़रूरी है, और वास्तव में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे आदमी जो अभी भी मास्क लगाने में लापरवाही कर रहे हैं, जबकि कोरोना संक्रमण फैलाने में मास्क ही रोकने में मास्क ही बहुत बड़ा साधन है, क्योंकि मास्क के बाद में सैनिटाइज और सैनिटाइज के बाद में 2 गज की दूरी से ही ये 2-3 जो प्रशासन ने जो गाइडलाइन तय कर रही इसके माध्यम से ही हम कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ सकते हैं। हम भी अपने लोकवाणी चैनल के माध्यम से आमजन से दर्शकों से अपील करते हैं कि मास्क लगाएं, प्रॉपर तरीके से लगाएं, ताकि जो कोरोना के संक्रमण की चेन है इसको तोड़ा जा सके। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली।